पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन कई मुद्दों पर चर्चा की गई और कई प्रस्ताव सदन में पेश किए गए। सदन में पंजाब यूनिवर्सिटी के केंद्रीकरण के प्रस्ताव को पेश कर पारित किया गया है, तो वहीं सदन में पंजाब के शिक्षा मंत्री गुरमीत मीत हेयर ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब की विरासत है और इसके रखरखाव और विकास करना हमारे प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। बहुत ही काबिल इंसान जिन्ह ने बतौर विधायक पिछले पाँच साल बतौर विधायक बा कमाल इन्होंने अपनी कारगुजारी दिखाई। इस बार भी इन्हों की जी इंटरवेंशन सी बा कमाल सी, तो माणयोग मुख्यमंत्री साहब ने इन्हों चुनिया इस प्रेस्टीजियस ड्यूटी लई, तो सारे हाउस ने इन्हों का स्वागत किया निर्विरोध। ये बड़ी वड्डी गल है, मैं तो बधाई दिना आपके वीर नूं बहुत, और आस करदा भी ये जिहड़ी इन्हां दी ये जिम्मेवारी है इहनूं पूरे तरीके दे नाल निरपक्ष होके निरछल होके इन्हें निभाउणगे। मैं कोई नहीं, जदों कल बड़ी अच्छी सिरद बहस हुई है और सारे मैंबर साहिबान ने हिस्सा लिया गया, और मैं समझदा साडे मानयोग स्पीकर साहब सरदार करतार सिंह संधवा जी बड़े अच्छे तरीके दे नाल जिहड़ी उसारू बहस करवा रहे हैं और सारिया धिरां नूं बराबर का मौका दे रहे हैं और सारे बोल रहे हैं गे, और सारे का पक्ष रखना, विपक्ष के बच्चे आना, विरोध वाले विरोध करना, सो उन्हां दा अपना राइट हैगा, सो असीं सब नूं एक मौका दे रहे हैं। मता पास करता केंद्र के खिलाफ, उन्होंने कह के वापस लो, उन्होंने कह के स्कीम वापस लो, लोक विरोधी आ, देश विरोधी आ, ये बिल्कुल ठीक नहीं। दोवें मते यूनिवर्सिटी वाले तो दोवें मते पास करते हाउस ने। मेरे वालों बजट स्पीच के दौरान, क्योंकि एक फाइनैंशियल इंप्लीकेशन भी सीगा, कले मेरे को जो फाइल आई तो मैं उस फाइल की स्टडी की। सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दुष्यंत दवे, बहुत नामी वकील ने, मेरे भी आइडल रहे ने, उन्होंने वालों एक बिल साढ़े ऑफिस में रेज़ होया जेल डिपार्टमेंट न, वो जिहड़ा तकरीबन 55 लाख का सीगा, मैं देखिया कि केस सीगा जिहड़ा ये बिल होवे, तां मैं वो फाइल समन की, तो जो मैं फाइल समन की तो मेरे पैरां हेठों जमीन निकल गई। वो फाइल सी एक गैंगस्टर मुख्तार अंसारी दी, तो उस तो बाद मैं एक प्रिलिमिनरी अपने जिहड़े स्पैशल चीफ सैकटरी उन्होंने कह के कहते प्रिलिमिनरी इनकुआयरी की जाए। उस इनकुआयरी दे विच जो असी प्रिलिमिनरी इनकुआयरी, मैं फिर दोबारा वर्ड पूरी कर, प्रिलिमिनरी इनकुआयरी दे विच जो असी सारा केस स्टडी किया, एक FIR देखो 2019 लॉज होंगी है मोहाली दे विच, उस FIR दे उत्ते कोई कार्रवाई नहीं। उस FIR दे बेसिस ते अंसारी वॉज शिफ्टिड फ्रॉम ऑन प्रोडक्शन वॉरेंट फ्रॉम UP टू रोपड़ जेल। मैं दसदा जी थानू सारा कुछ दस रहा, तो उन्हें इतने रख्या गया जी। उस FIR दे उत्ते कोई चलान नहीं पेश किया जाता, पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। मैं वकील भी हाँ, क्रिमिनल प्रैक्टिस भी की है बहुत, अगर कोई जुर्म 7 साल तो घट उस 60 दिन, एंड इफ द ऑफेंस इज जिहदे थोड़ी इंप्रिजनमेंट 7 साल तो वध हो सकती है 90 डेज, 90 दिन बाद डिफॉल्ट बेल हो जाती है, यानी जी अगर सरकार चलान नहीं पेश करती पुलिस फेल्स तो डिफॉल्ट। मिस्टर मुख्तार अंसारी ने डिफॉल्ट बेल भी नहीं ली। इतने इंस्टीट्यूट उन्होंने भी सानू बाहर देशों तो करवानी पई, कि जेडे देशों ने बड़ा अच्छा काम किया, चाहे कोई फिनलैंड आ, जो कोई यूरोपियन होर जो कोई देश ने, असीं उन्हां दे नाल भी टाई अप करांगे, पर साढ़े जिहड़े टीचर्स की कपैसिटी बिल्डिंग करके साढ़े बच्चों तो आके जिहड़ी है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, देखो बच्चे पढ़ तो हुण भी रहे, 10वीं 12वीं तो हुण भी कर रहे हैं, पर 10वीं 12वीं साढ़े सरकारी स्कूलों चो पढ़ के किन्ने बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, किन्ने बच्चे IIT क्लीयर कर रहे हैं। वड्डा सवाल यह है ना, सिर्फ कह लो भी 10वीं 12वीं दे सर्टिफिकेट दवाउण लई जिहड़ा बच्चों नूं पढ़ाया जा रहा, तां कि साढ़े सरकारी स्कूलों के बच्चे जिहड़े पढ़ के वह अच्छे इंस्टीट्यूट के जा सकन, वह डॉक्टर बन, वह इंजीनियर बन, IIT वह क्लीयर करन, बच्चों क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने के लिए जी सरकार है वह काम करेगी। PhD करी फिर रहे विद्यार्थी फिरते हैं।